आज आप जो बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और अब सरकार बनने जा रही है, उसके उपलक्ष में आज हम लोग पूरे ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के अंदर लड्डू वितरण कर रहे हैं और यहाँ की जनता का भी बधाई संदेश दे रहे हैं और उनको धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहे हैं कि उनके जानने वाले रिश्तेदार यारे प्यारे जो उन राज्यों के अंदर थे, जब हमने वोट मांगी तो उन्होंने उन सबको टेलीफोन किया, इत्तला करी, तो उनको हम आज धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं। अच्छा, एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी है जो सभी राज्यों में चुनाव लड़ी थी, आप दिल्ली से हैं, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली क्या पूरे देश जानता है आम आदमी पार्टी किस तरीके से पूरे देश में चुनाव लड़ी जब वो राष्ट्रीय पार्टी भी हो गई, और किस तरह उन्होंने मुंह की खाई, 1% वोट शेयर भी नहीं है, कहीं 0.44 है, 0.30 है। तो जो आम आदमी पार्टी है पूरे देश में विफल हो चुकी है, सिरे से नकार दी गई है, और दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली की जनता, जो क्षेत्र की जनता है, ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी को नकारा गया है। क्या लगता है? देखिए, मोदी जी ने कहा था कि युवाओं की गारंटी मैं लेता हूँ, महिलाओं की गारंटी मैं लेता हूँ, गरीबों की गारंटी मैं लेता हूँ, किसानों की गारंटी मैं लेता हूँ। तो जब एक ऐसा प्रधान सेवक हमारे को मिला है मोदी जी के रूप में, जो अपने सब परिवार को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के, अपने कुटुंब को छोड़ के, जिसने अपने देश को परिवार माना है, तो वो देश की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले जो अन्य लोग थे वो तो केवल एक परिवार की चाटुकारिता करने में सीमित हो गए थे। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे जनता ने भरोसा जताया है और जनता ने उनके चेहरे पर वोट देकर तीन राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत से वोट दी है। क्या लगता है फिर? तो रूप से बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी आज ये जो है गूंजा नारा, बार बार, तीसरी बार मोदी सरकार, और मैं कहूँगा केवल तीसरी बार नहीं, जब तक देश की जनता मोदी जी के साथ में है, मोदी जी का जो है सरकार बनती रहेगी। ठीक, तीन राज्यों में मिली बड़ी कार्यकर्ताओं में दिल्ली के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जश्न? देखिए, तीन राज्यों में जो ये जीत मिली है, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व से, माननीय अमित शाह जी की रणनीति से, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन से, और अनेकों अनेक जो हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, परंतु उसके बावजूद भी, दो दशक के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी इतने ह्यूज मार्जिन से जीती है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ कोई कह ही नहीं रहा था कि भाजपा वापसी करेगी, परंतु भाजपा ने वापसी की, भूपेश बघेल जी को बुरी तरह से पछाड़ा। इसी प्रकार राजस्थान में अनेक प्रकार की बातें चुनाव से पहले कही गई, परंतु भाजपा के कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पर जो काम किया है, गली गली में जाकर जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं, जो गरीब, किसान, युवा, महिला सबसे जुड़ी हुई हैं, उन सबको देखते हुए ये पूरे देश ने माननीय मोदी जी का साथ दिया है, और ये उत्साह ऐसे ही बरकरार रहेगा। आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार है, तीन राज्यों में हमारी मिलकर सरकार है आज पूरी तरह से, और साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी की एंट्री पूरी तरीके से हो चुकी है। तेलंगाना में 3 से हम 8 पर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है। मेरा नाम सुमन चौधरी है, मैं नई दिल्ली जिला में मंत्री हूँ। सुमन जी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है इसकी अब की बात बीजेपी, क्या लगता है महिला जो कार्यकर्ता, उन्होंने जमीन पर बहुत अच्छा काम किया है? महिला कार्यकर्ताओं ने भी ज़मीन पे बहुत अच्छा काम किया, और हमारे माननीय मोदी जी की हर योजना महिलाओं से जुड़ी है। कोई भी उनकी योजना हो वो महिलाओं से जुड़कर ही बनी है, चाहे वो उनकी लालन पालन योजना हो, चाहे वो उनकी राशन कार्ड योजना में जो है, चाहे वो किसी भी तरह की उज्ज्वला योजना है, हर योजना में उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है। पहले आपने देखा होगा, आज से पहले जब हमारे कभी हमारे बच्चों को जाना जाता था तो उनके पिताजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद महिलाओं को सम्मान दिलाया कि उनके बच्चों को उनके नाम से जाना जाए। अब हर जगह बच्चे को माता के नाम से जाना जाता, तो मोदी जी हमेशा ही महिलाओं के लिए करते आए हैं, और इसी वजह से महिलाएं उनके साथ भी हैं, उनके पक्ष में भी हैं। 7 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन उन्होंने महिलाओं को दिलाए हैं। हमें बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, और इससे भी ज्यादा खुशी हमें तब होगी जब हम पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बनाएंगे।